नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑडियो स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन साड़ा और लेके आया हूँ आज आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूँ आज ही आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के डेली डोज के बारे में, और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। अगर आप देखना भूल गए तो नीचे आइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो यह आ रही है गूगल के जीमेल से, और यहाँ पर अगर आप इसे यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर तो यहाँ आ चुका है डार्क मोड। तो जाइए सेटिंग में और एक्टिवेट कीजिए डार्क मोड के और मजे उठाइए। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप भी वेट कर रहे थे जीमेल के अंदर वो भी एंड्रॉइड में डार्क मोड का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A10 और A20 से, और अगर आप भी इच्छा रखते हैं इनमें से कोई भी एक स्मार्टफोन खरीदना तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। ये आ चुका है अब नए गोल्ड कलर के अंदर, और आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप इनमें से कोई भी एक स्मार्टफोन गोल्ड कलर में लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है LG की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने कंफर्म बता दिया है कि कब W सीरीज इंडिया में देखने मिलेगी। जी हाँ, लॉन्च डेट सामने आ चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जून 26 को ये आपको देखने मिलेगा। टाइमिंग है 11:30 बजे, न्यू दिल्ली में होने वाला है ये इवेंट, और वहां पर आपको W सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या लगता है कि कुछ इस बार बजट में LG तगड़ा दे सकता है, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है गूगल पिक्सल 4 और 4 एक्सेल से, और यहाँ पर अभी ये दिखा है मिंट ग्रीन कलर और ब्लू कलर में। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने मिल रहा है मिंट कलर के अंदर, साथ ही साथ आपको व्हाइट और ब्लैक भी देखने मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये आपको ब्लू कलर में देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल कलर वाइज ये अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं क्या ओवरऑल फीचर निकल के आते हैं, क्या होती है इसकी प्राइसिंग, और कब तक ये लॉन्च होता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं गूगल पिक्सल 4 के अंदर या 4 एक्सेल के अंदर, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्रो से, और यहाँ पे आए हैं कुछ नए केसेस सामने, और उसके अंदर मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से आपको लुक देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पंच होल वाली डिस्प्ले दिखाई जा रही है, बैक में आप देखेंगे तो 3 कैमरा और एक यहाँ पे LED फ्लैश मिल रहा है। वहीं नोट 10 प्रो के अंदर आपको 2 सेंसर मिल रहे हैं, और LED फ्लैश के साथ 3 कैमरा आपको हम मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या फाइनल प्रोडक्ट हमारे को इसी प्रकार से देखने मिलता है, और क्या ओवरऑल फीचर होते हैं, क्या प्राइसिंग रखी जाती है। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये अमेजोन की तरफ से, और ये लेके आ गए हैं फायर टीवी एडिशन, और इसके तहत ये आपको मिलेगी 55 इंच के अंदर, साथ ही साथ बोले जा रहे हैं कि ये आपको 43 इंच और 50 इंच में भी मिलेगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको डॉल्बी विजन मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है एलेक्सा का सपोर्ट, तो इजिली आप यहाँ पे रिमोट को बोलिए और वो सारी चीजें आपके यहाँ पे कर देगी। यहाँ पे बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है अराउंड $500 से, और ये अभी US में अवेलेबल है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या Amazon इसे अदर मार्केट में ले जाती है, अगर ले जाती है तो वहां के हिसाब से क्या फीचर और क्या प्राइसिंग रखी जाती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहेंगे Amazon की टीवी को यूज करना इंडिया के अंदर, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है सैमसंग गैलेक्सी M30s से, और ये दिखा है Geekbench पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसने सिंगल कोर और मल्टी कोर पे स्कोर किया है। यहाँ पर आप अगर मॉडल नंबर देखेंगे तो ये कंफर्म करता है कि ये M30 सीरीज के अंदर आने वाला है। यहाँ पर बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ आपको 3 GB रैम Android 9.5 पे ये चलेगा। बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो बोला जा रहा है कि Exynos का 7885 चिपसेट हो सकता है आपको यहाँ देखने मिले। तो आप वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से सैमसंग का ये नया स्मार्टफोन देखने मिलता है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं, क्या प्राइसिंग होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी सैमसंग के एक स्मार्टफोन को लेने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये फिर से गूगल की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने डिच कर दिया है अपने टैबलेट को। जी हाँ, यहाँ पे अब ये टैबलेट नहीं बनाएंगे, हो सकता है इसकी जगह आपको अदर प्रोडक्ट देखने मिले। अब देखते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे बात करें क्या होगा पिक्सल स्लेट यूजर का, तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जून 2024 तक आपको अपडेट मिलता रहेगा, और यहाँ पे जो भी इंप्रूवमेंट्स है वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप भी यूज करते हैं गूगल का पिक्सल स्लेट, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डोज की तैयारी किया मोटर्स की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये लेके आने वाले हैं इंडिया के अंदर अपनी नई एमपीवी। जी हाँ, यहाँ पर आप जानते हैं हाल ही में इन्होंने सेल्टोस अनवील की है, और उसी के तहत यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये एक एमपीवी भी डेवलप कर रहे हैं जो आपको सेल्टोस के प्लेटफॉर्म पे ही देखने मिलेगी। और ओवरऑल यहाँ पे इंटीरियर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, आगे के लुक में भी चेंजेस देखने मिलेंगे, और यहाँ पे जो इसका व्हील बेस है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें किस से ये कम्पीट कर सकती है, तो यहाँ पर आप जानते हैं मारुति की अर्टिगा और महिंद्रा की मराजो बहुत ही फेमस है, और उनको ये बहुत ही खतरनाक टक्कर दे सकती है। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से किया कि ये नई एमपीवी देखने मिलती है, क्या ओवरऑल इसके फीचर होते हैं, किस प्रकार से इसका लुक होता है, और कब तक किया हमारे को इंडिया मार्केट में देखने मिलती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहेंगे किया की सेल्टोस को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो यार ये हुंडई वेन्यू की तरफ से, और यहाँ पर आप जानते हैं ये हाल ही में लॉन्च हुई थी, और यहाँ पे अब मालूम पड़ा है कि कुछ ही मंथ के अंदर इन्होंने क्रॉस कर लिया है 33,000 बुकिंग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुंडई वेन्यू ने अपना धमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया है, देखते आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या सेल्स फिगर निकल के आते हैं, और क्या हुंडई वेन्यू मार्केट में दबदबा जमा पाती है कि नहीं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं हुंडई वेन्यू को परचेस करने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो डोनेट भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन साड़ा, भारत माता की जय।